हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन और स्टडी इन डाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे लाइव आ जाए, मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं। आज हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक का पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, कार्बन एंड कंपाउंड विवेक सर आप लोग को कल के क्लासेस में इसका थ्योरी पूरा करवा दिए थे। आज हम लोग उसका जो है ना क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन उसका पूछा जाता है। और आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक का इस क्लासेस के बाद ऑलमोस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का सिलेबस कम्प्लीट करवा दिया गया है। और आज जो है ना पॉलिटेक्निक का क्लासेस नंबर 141 है। कितना है जी? क्लासे नंबर 141 है और ये पार्ट टू वीडियो है कार्बन एंड कंपाउंड का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इसका थ्योरी करवाया गया था। जो थ्योरी को स्टडी अच्छे तरीका से करके आए होंगे वो आज क्लासेज का फुली तरीका से इनर्जेटिक होकर के सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें, चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो आपको आज जो है पॉलिटेक्निक का, केमिस्ट्री का, कार्बन एंड कंपाउंड हम लोग देखने वाले हैं और पॉलिटेक्निक का 141 नंबर का क्लासेज है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे मॉर्निंग का क्लासेज पॉलिटेक्निक का, अब बीच बीच में एक आध लेक्चर और भी आते रहेगा, तो वो डिपेंड करता है किस दिन एक आध लेक्चर, जो जो मतलब एक दो टॉपिक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई ऐसा छूटा हुआ है तो वो बीच बीच में करवा दिया जाएगा। लेकिन अब जो है ना रिविजन करने का टाइम आ गया है, आपको फुल्ली कंसंट्रेट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पे अब करना है। तो आप लोग को जैसे टेस्ट चल रहा है शाम को इवनिंग 7 बजे, तो वो टेस्ट जो है आपको मैम जैसे आपको करवा रही है, लगभग 60-65 जो है टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड हो चुका है। अब जो है ना टेस्ट और भी धमाकेदार तरीका से होगा, क्योंकि 7 बजे टेस्ट में हम भी जो है उस टेस्ट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यानी हम भी टेस्ट आप लोग करवाएंगे जैसे हम स्टार्टिंग में टेस्ट आप लोग करवाते थे, सेम उसी तरीका से सिलेक्टेड क्वेश्चन का और भी टेस्ट होने वाला है। तो बी एनर्जेटिक होकर के स्टडी कीजिए, ठीक है ना। और आज जो है मॉर्निंग वाला क्लासेज जो है आप इसके बाद जो है ना पारा मेडिकल का क्लासेज जो है मॉर्निंग में भी चल सकता है, ठीक है ना, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि जो है दोपहर वाला तो मैथ वाला क्लासेज तो ऑलरेडी सभी कंप्लीट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। और आज जो है ना 141 नंबर का क्लास आपको ये होने वाला है, ठीक है ना। बाकी जैसा स्टडी चल रहा है आप लोग जितना से जितना हो सके मेहनत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है ना सारा पीडीएफ को स्टडी कीजिए। किसी में तरह का डाउट होता है वीडियो देखिए, सारा वीडियो अवेलेबल है। और भी कुछ अगर वो ऐसा डाउट होता है तो जो है डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कीजिए, सारा का सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन क्या है जी, कार्बोनेडो कहा जाता है। कार्बोनेडो किसको कहा जाता है सभी लोग बताइएगा। ये सारा जो है आपको करवा दिया गया है अब थ्योरी में, ठीक है ना। एक आपको थ्योरी पूरा करवा दिया गया था, जो थ्योरी पढ़ के आए होंगे वही आज का सेशन में इंजॉय कर पाएंगे। कार्बोनेडो किसको कहा जाता है जी बताइएगा सभी लोग, कार्बोनेडो किसको बोला जाता है, कार्बोनेडो किसको बोला जाता है बताइएगा सभी लोग। कार्बोनेडो जो है ना ग्रेफाइट को, काजल, चारकोल, काला हीरा किसको बोला जाता है बताइएगा। कार्बोनेडो जो है ना काला हीरा को बोला जाता है, ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, समावयवी है, समस्थानिक है, संभारिक है, कार्बन के अप्रूफ है बताइएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है जी, समावयवी है, समस्थानिक है, संभारिक है, कार्बन के अप्रूफ है बताइएगा सभी लोग। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अप्रूफ है, ऑप्शन डी जो बोल रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। और सभी को आंसर देना है, कोई आपस में बात नहीं करेगा। एथेनॉल का एक समावयवी क्या है, यानी आइसोमर एथेनॉल का क्या है जी, ये सभी आपको करवा दिया गया है। एथेनॉल का आइसोमर क्या है, एथेनॉल का आइसोमर क्या है, मेथेनॉल है, एसीटोन है, डाइएथिल ईथर है, डाइमेथिल ईथर है बताइएगा। आपसे पूछा जाता है आइसोमर एथेनॉल का
आयुष्य उम्र क्या है, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, बताइएगा सभी लोग। एथेनॉल का आयुष्य उम्र जो है यह है डाइमेथिल इथर, क्या है जी, डाइमेथिल इथर, जो बोल रहे हो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बोल रहे हो। इस क्वेश्चन पे आओ सभी लोग। CnH2nO सामान्य सूत्र है, किसका सूत्र है, CnH2nO जो है किसका सूत्र बताइएगा, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, इथर का है, या फिर एल्डिहाइड कीटोन दोनों का है। CnH2nO एल्केन एल्कीन एल्काइन सारा जो है फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, करवाया गया है और ये सब जो है पूछा जाता है। CnH2nO समान सूत्र किसका है, ये जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का है, ऑप्शन डी जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का यूज होता है, पेंसिल बनाने में कार्बन के कौन से अपरूप का यूज होता है, सब लोग बताइएगा, पेंसिल बनाने में कार्बन का कौन सा अपरूप का यूज होता है, बताइएगा सभी लोग। पेंसिल बनाने में कार्बन का कौन सा अपरूप यूज होता है, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत लोग आंसर आ गया, बहुत अच्छा, कार्बन का ग्रेफाइट का यूज होता है, बिल्कुल ग्रेफाइट। चलिए अगले बढ़ते हैं, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या होता है जी, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या होता है, बताइएगा, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या होता है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है, बस आप लोग आंसर दीजिए। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल ग्रेफाइट होता है। इसको बताइएगा, निम्नलिखित निम्नांकित किस यौगिक का थ्री डायमेंशनल सूत्र होता है, थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय सूत्र किसका होता है, बताइएगा, थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय सूत्र किसका होता है जी, बताइएगा सभी लोग। हीरा का भी तो होवे करता है, तो कोरेंडम बालू सभी का होता है, ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज। इसको बताना है कौन उष्मा विद्युत दोनों का गुड कंडक्टर है, सुचालक है, उष्मा और विद्युत दोनों का गुड कंडक्टर कौन सा है जी, हीरा ग्रेफाइट चारकोल एंथ्रासाइट में आपको बताना है, उष्मा और विद्युत दोनों का गुड कंडक्टर कौन सा है, वो है आपका ग्रेफाइट, कौन सा है, ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय KNO4 को रंगहीन करता है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय KNO4 को रंगहीन करता है, बताइएगा सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय KNO4 को रंगहीन करता है, बताइएगा सभी लोग, वो क्षारीय का नाम है C2H4, ठीक है ना, C2H4। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन समावयव है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन समावयव है, एथेन प्रोपेन एथेन एथिलीन, बताइएगा, ये सभी करवाया गया है कल के क्लास में, विवेक सर करवा दिए हैं सभी थ्योरी वाला क्लास में। निम्नलिखित में से कौन समावयव है, बताइएगा कौन सा समावयव है जी, बताइएगा समावयव, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है समावयव है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एथाइन का सूत्र बताइए, तो एथाइन का सूत्र क्या होता है, एथाइन का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, एथाइन का सूत्र
सभी लोग बताइएगा क्या होता है। सभी से आंसर मुझे चाहिए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। एथाइन का सूत्र क्या होता है? एथाइन का सूत्र C2H2 होता है, बिल्कुल C2H2। आगे बढ़ते हैं। जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को HgCHgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 से प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है जी? इथर इसी प्रोसेस से बनाया जाता है ना, इथर का, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसका जो है ना आपको करवाया गया था प्रयोगशाला में, जो होता है जो आपको थ्योरी में करवाया गया था, इथर, बिल्कुल इथर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। टेट्राक्लोरोमीथेन का सूत्र बताइए, तो सूत्र का पूरा लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है, सूत्र का फॉर्मूला का पूरा लिस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है। टेट्राक्लोरोमीथेन का सूत्र आपको बताना है, टेट्राक्लोरोमीथेन का सूत्र आपको बताना है, सब बताइएगा। टेट्राक्लोरोमीथेन का एसिटिलीन का पूछा जाता है, याद कर लीजिए C2H2 होता है, एथिलीन का C2H4 होता है, और एथेन का तो C2H6 होता है, और मीथेन का CH4 होता है। ये सब याद कर लीजिएगा जी, ये सब पूछा जाता है। बताइए सभी लोग, टेट्राक्लोरो मीथेन का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, वो कौन सा होगा? CCl4 होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको बताइएगा, निम्न में से किसमें ना तो द्वितीयक और ना ही तृतीयक हाइड्रोजन होता है? निम्न में से किसमें ना तो द्वितीयक और ना ही तृतीयक हाइड्रोजन होता है? बताइएगा सभी लोग, ना तो द्वितीयक ना ही तृतीयक हाइड्रोजन किसमें होता है जी? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। संरचना सूत्र सब करवाया गया। चलिए इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रदीपक गैस के रूप में जानी जाती है? कौन सी गैस प्रदीपक गैस के रूप में जानी जाती है? बताइएगा, इथेन एथिलीन तो एथाइन होगा। प्रदीपक गैस के रूप में कौन सी गैस जानी जाती है जी? एथाइन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? धातु की वेल्डिंग और कटिंग में यूज होने वाली गैस कौन सी है? बताइएगा सभी लोग, धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में यूज होने वाली गैस कौन सी है जी? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, एथिलीन, ठीक है ना। एथिलीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दे कि धातु को कटिंग वेल्डिंग में गैस होने वाली होती है एथिलीन, लेकिन फ्लेम जलने के लिए जो गैस छोड़ा जाता है ना वो एसिटिलीन होता है, ठीक है ना। एसिटिलीन कहीं कहीं ऑप्शन में दिख जाएगा तो एसिटिलीन आपको लगा देना पड़ेगा, और एसिटिलीन का फॉर्मूला जो होता है C2H2 होता है ना, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम बताना है, IUPAC नेम बताना है, आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम बताना है। बताइएगा सब लोग, आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम क्या होता है जी? सभी लोग जो है IUPAC नेम बताया गया था, आइसोब्यूटेन का क्या होता है IUPAC नेम? बिल्कुल 2-methylpropane होता है, 2-methylpropane इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे C2H2 का क्या होता है? एथाइन होता है ना, और C2H4 का एथीन होता है, C4H10 का ब्यूटेन। ये सब जो याद करने के लिए टेबल दे दिया गया था, इसको बताइएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा छोटे अणु मिलकर एक उच्चतर अणु भार वाला एक अणु प्रदान करती है क्या कहलाता है? वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा छोटे अणु मिलकर एक उच्चतर अणु वाला अनुभार वाला एक अणु प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बहुलीकरण बोला जाता है। क्या कहलाता है? बहुलीकरण। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइएगा सभी लोग, जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, LPG, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन नहीं है।
एलपीजी जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है ना, एलपीजी प्राकृतिक गैस, बायोगैस, कोयला सब जो है जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को बताइएगा, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C18H36 है वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जी बताइएगा। निकालने का प्रोसेस बताया गया था, C18H36 है जी, कौन सा है, एल्किन होगा, एल्किन होगा, एल्काइन होगा, कौन से ग्रुप के है बताइएगा, सभी लोग बताइएगा आंसर। C18H36 जो है ना ये आपका एल्कीन ग्रुप के है, CNH2N वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन बताइएगा, कोयले के भंजन आसवन से बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है, कोयला का जो भंजन आसवन, जो कोयला प्राप्त होता है ना भंजन आसवन से, जो जिसके द्वारा बचा हुआ अवशिष्ट जो होता है ना, बचा हुआ पदार्थ जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा सभी लोग, सभी लोग आंसर दीजिएगा। कोयले के भंजन आसवन से बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल कोक जो बोल रहे हो ना, कोक, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, कोक वाले करेक्ट आंसर हो। चलिए करेक्ट आंसर वो तो हो गया वो, अब इसको देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन लिख दिया क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं बताइएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को बताइएगा, अकार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था जी, सभी लोग आंसर दीजिएगा, यूरिया, इथाइल एल्कोहल, मीथेन और इथेन, गड़बड़ नहीं कोई करेगा, सब लोग आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल जी यूरिया बोल रहे हो ना, यूरिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। यहाँ पे देखिए एक्स के जगह क्या होगा, इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एच टू एस ओ फोर के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, तो एच सी डबल ओ एच प्लस एच टू ओ अभिक्रिया में एक्स क्या है, ये जो है एच सी डबल ओ एच प्लस बनता है प्लस H2 बनता है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स वहां पे क्या है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी आपको मैं सिखाया था, बताइएगा CH3OH है, ठीक है ना, CH3OH ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3OH आ जाएगा, इसको अगर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से मिल क्रिया कराएंगे ना, तो HCOOH प्लस H2O बनेगा, ठीक है ना। देखिए एल्केन का समान सूत्र पूछ दिया ना आपसे, बताइएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पूछा जाएगा एल्केन का, पूछा जा रहा है एल्केन का क्या होता है जी, CnH2n+2 होता है, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है ना, इससे सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है, इससे आपको जो है ना अच्छा क्वेश्चन इससे माना जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में दिखने को मिलता है। मार्स गैस के रूप में कौन सा पदार्थ को जाना जाता है, मार्स गैस बताइएगा, मार्स गैस किसे जानते हैं जी, सभी लोग आंसर दीजिएगा, मार्स गैस किसे बोलते हैं, मार्स गैस किसे बोलते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा, मार्स गैस किसे बोलते हैं, मार्स गैस किसे बोलते हैं, सब लोग आंसर दीजिएगा, मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं, मार्स गैस मीथेन को बोला जाता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दोहरे या तिहरे बंध वाले हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, दोहरे या तिहरे बंध वाले हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, कौन से हाइड्रोजन कार्बन होते हैं जी, संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं, या एल्केन होते हैं, कैलोजन होते हैं, बताइएगा। दोहरा या तिहरा बंध वाले हाइड्रोजन कार्बन कौन से हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, इस चैप्टर से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोहरे या तिहरे बंध वाले हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, कौन सा हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, बताइएगा सभी लोग। दोहरे या तिहरे बंध वाले हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, बिल्कुल असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, असंतृप्त, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अनसैचुरेटेड। चलिए इसको बताइएगा, मीथेन सूर्य की उपस्थिति में, मीथेन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, यदि यह अभिक्रिया चलती रहे तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनेगा, बताइएगा सभी लोग। मीथेन जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करता है, यदि यह अभिक्रिया कंटिन्यू चलता रहे तो अंतिम फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा सभी लोग, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब धमाकेदार तरीका से टेस्ट होने वाला है, और भी मजेदार क्वेश्चन का, वैसे बहुत क्वेश्चन करवा दिया गया आप लोगों को, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना ही बेनिफिट होगा। क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला पूछ दिया ना, बताइएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी को बता दिया हूँ, अभी मैं लिख के भी बताया था, बताइएगा सभी लोग। और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, याद होते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, बताइएगा सभी लोग। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा सभी लोग। और सॉरी, एल्काइन का पूछा जा रहा है ना, एल्काइन का बताइएगा, ऑप्शन डी जो बोल रहे हो ना, CnH2n-2, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिए इसको बताइएगा, एथिल एल्कोहल के बाष्प को अवक्रीत तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, बताइएगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, सभी से आंसर आना चाहिए। एथिल अल्कोहल के बाष्प को अवक्रीत तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, वो यौगिक का नाम क्या है जी, सभी लोग बताइएगा। एसिटाल्डिहाइड हो उसका नाम है, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसको बताइएगा, कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन कौन सा है, कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन कौन सा है, बताइएगा सभी लोग। कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन कौन सा है जी, वो है ना 5 से 17 कार्बन परमाणु वाला जो होता है, लिक्विड होता स्टेट में होता है, द्रव स्टेट में होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को बताइएगा, एसिटिलीन बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त क्या होता है, एसिटिलीन बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त क्या होता है, बताइएगा सभी लोग। एसिटिलीन बहुलीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होता है, बेंजीन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, पॉली एसिटिलीन, क्या होता है जी, एसिटिलीन बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त क्या होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेंजीन वही C6H6 वाला वो है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसको बताइएगा, एथाइल अल्कोहल का अगला उच्च सजातीय कौन सा है, एथाइल अल्कोहल का अगला उच्च सजातीय कौन सा है, बताइएगा सभी लोग।
एथाइल अल्कोहल का अगला उस सजाती आपसे पूछा जा रहा है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल, चलो बताइएगा। इथाइल अल्कोहल का अगला उस सजाती कौन सा है जी? वो जो है ना प्रोपेनॉल है, ठीक है ना, प्रोपेनॉल ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको बताइएगा एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम बताना है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम बताना है, चलो बताइएगा एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम बताना है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है जी, सब लोग बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इथेनोइक अम्ल। क्या है जी? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम इथेनोइक अम्ल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश में एल्केन के हैलोजनीकरण में कौन सा हैलोजन अधिकतम क्रियाशील है? सभी लोग बताइएगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, बताइए सभी लोग, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूर्य के प्रकाश में एल्केन के हैलोजनीकरण में कौन सा हैलोजन अधिकतम क्रियाशील है, बताइएगा सभी लोग। सूर्य के प्रकाश में एल्केन के हैलोजनीकरण के में कौन सा हैलोजन अधिकतम क्रियाशील है? वो हैलोजन कौन है जी? वो हैलोजन जो है ना आपका F2 है, ठीक है ना, F2 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन क्या होते हैं? नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन क्या होते हैं बताइएगा सभी लोग। अपरूप है, शंभार है, शमजात है, शमावयव है, बताइएगा। नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन क्या होते हैं? नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन अपरूप है, शंभार है, शमावयव है, शमजात है, बताइएगा। नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन जो है ना ये शमावयव है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को बताइएगा सभी लोग, सोडियम एसीटेट को किसके साथ मिलाकर गर्म करने पर प्रयोगशाला में मीथेन गैस प्राप्त होता है? बहुत बार करवाया था, मैं भी बहुत बार इसको करवाया हूँ। सोडियम एसीटेट को किसके साथ मिलाकर गर्म करने पर प्रयोगशाला में मीथेन गैस तैयार किया जाता है? सोडियम एसीटेट को किसके साथ मिलाकर गर्म करने पर प्रयोगशाला में मीथेन गैस तैयार किया जाता है? सोडा लाइम को, ठीक है ना, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाकर गर्म करने पर प्रयोगशाला में मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है। चलिए इसको बताइएगा, एक मिथाइल समूह का आणविक सूत्र क्या है? एक मिथाइल समूह का आणविक सूत्र क्या होता है? मिथाइल समूह का बोला जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होएगा। एक मिथाइल समूह का आणविक सूत्र क्या होता है? मिथाइल समूह का आणविक सूत्र जो होता है CH3 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मिथेन में मौजूद बंध का प्रकार क्या है? मिथेन में मौजूद बंध का प्रकार क्या है, सभी लोग बताइएगा। मिथेन में मौजूद बंध का, मिथेन में कौन सा बंध होता है जी? सहसंयोजक बॉन्ड होता है मिथेन में, CH4 में, ठीक है ना, मिथेन में सहसंयोजक बॉन्ड होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन को इसका भी देख लिए हैं, तो और आगे भी क्या नहीं, क्लासेज को यहाँ पे क्या किया जाता है? द एंड किया जाता है, ठीक है ना, क्लासेज को द एंड किया जाता है। आपको फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का एंड मैथ का, यानी बोलने का मतलब हो गया PCM का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। सारा वीडियो YouTube पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से सभी वीडियो को दो बार जरूर देखिए, ठीक है ना। पेड स्टूडेंट को तो उतना मुश्किल नहीं है, वहाँ पे सारा आपको PDF सभी क्लासेस का सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, पेड ग्रुप में, वहाँ से जो है अब देखिए। और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उस क्वेश्चन का वीडियो देखिए, उस क्वेश्चन का जो है वो सभी जो है क्लासेज नंबर भी लिखा हुआ है PDF में भी, और वहाँ पे वीडियो में भी, तो वहाँ से देखिए। और भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है ना, तो आप डायरेक्ट पेड ग्रुप वाले डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन को सेंड कीजिए, वहाँ पर उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस जितना से जितना कीजिए, और जो है ना शाम से मैं बता रहा हूँ
टेस्ट जो है और भी धमाकेदार तरीका से सिलेक्टेड क्वेश्चन का स्टार्ट होने वाला है। पॉलिटेक्निक का जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। कुछ कुछ टॉपिक अगर एक दो टॉपिक और बचा हुआ है तो बीच बीच में जो है ना करवा दिया जाएगा, आप लोग को जो है टाइम वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे करके पेड वाले ग्रुप में, ठीक है। बाकी आप लोग अब प्रैक्टिस कीजिए, शाम को अब आप लोग को एक टेस्ट प्रोवाइड होगा सभी बच्चों के लिए, पेड वाले ग्रुप के लिए या फिर सभी बच्चों के लिए टेस्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। वो टेस्ट लगाना सभी को जरूरी, अब तक 60 प्लस ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, और भी जो टेस्ट होने वाला है उसमें भी और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा, साथ में और भी कुछ न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा, वैसे न्यूमेरिकल भी बहुत करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीका से सभी लोग टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। और मॉर्निंग वाले क्लासेज भी अभी जो है दोपहर का 2 बजे तो ऑफ क्लासेज ऑलरेडी हो गया है, मॉर्निंग वाले भी क्लासेज आज के बाद ऑफ होता है। मॉर्निंग वाला क्लास जो है ना ऑफ हो जाता है। और इसी टाइम पे अब जो है पारा मेडिकल का क्लास स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, ठीक है ना। उस पारा मेडिकल क्लास इसी टाइम में स्टार्ट होने वाला है। और आप लोग पॉलिटेक्निक वाले जितने पेड ग्रुप में स्टूडेंट ज्वाइन है वहां से सारा PDF डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, और मतलब धमाकेदार तरीका से जितना हो सके उतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों को शाम 7 PM में डेली जो है अभी टेस्ट चलने वाला है, डेली टेस्ट चलने वाला है, वहां पर भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन और करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।